हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि कल के वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि मैं दिल्ली से हल्द्वानी आई थी, आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी से कैची धाम नीम करौली बाबा के पास उनके दर्शन करने। तो चलो फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि वहाँ पे दर्शन कैसे होता है। यहाँ से भी और 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। खूबसूरती तो है ना। पहाड़ तो वैसे ही मुझे पसंद है और ये जंगल। ये हम पहुँच गए हैं फाइनली जगह। मैं मंदिर के दर्शन करके जैसे ही मैं ये वाले गेट से बाहर आई तो मैंने देखा बाहर लंगर लगा रखे थे। यहाँ पे सब खाना खा रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। तो मैंने और मेरे फैमिली ने भी यहाँ से हमने प्रसाद ली। प्रसाद में खीर, मिठाई, पूरी, चने सब कुछ था। तो हम सब ने खाया बहुत अच्छे से। फिर यहाँ से मैं वॉक करके गई। मेरी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी तो गाड़ी तक मैं पैदल गई वहाँ तक। और जाते वक्त एक छोटा सा मार्केट भी मुझे मिला, वो भी आप लोग देखोगे आगे। भीमताल के सुंदर सा लेक, हम अभी पहुंच गए भीमताल में। अभी होटल नहीं गई हूँ लेकिन ये लेक के पास थोड़ी देर बैठूंगी। ये है भीमताल। नैनीताल में भी सेम लेक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पे मैं बैठ के झूले पे एंजॉय कर रही हूँ अपना शाम। कॉफ़ी भी पीऊँगी मैं, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा झूला मिल गया तो मैं झूले को एंजॉय कर रही हूँ और कॉफ़ी के साथ ही एंजॉय करूँगी। फिर यहाँ से जाना है रिसॉर्ट्स पे। गाइस, ये हमारा रिसॉर्ट्स है जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं और ये वैसे बहुत ही खूबसूरत है, बट अभी ना क्या हुआ ना, हम कॉफ़ी पीने चले गए थे तो कॉफ़ी पी कर आते आते वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि कॉफ़ी शॉप जो था बहुत ही क्यूट सा था, तो हम वहाँ पे टाइम पास बहुत देर तक कर लिए और रिसॉर्ट्स पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो अभी रात, ये वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है बट शायद कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरे की वजह से। यहाँ पे ना रिसॉर्ट्स में आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हमने सोचा था थोड़ा सा घूम ही लेते हैं भीमताल को अच्छे से और फिर जाके तो रूम में सोना ही है, तो यही सोच कर हम कॉफ़ी शॉप में टाइम पास करते रहे। तो व्यू अभी पता नहीं आप लोगों को, जो भी दिखे बस इतना ही है।